अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, 8 सितंबर को पाक नेवी के 65 की जंग में सर अंजाम दिए जाने वाले कारनामों की याद में यौम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है। सितंबर के इस महीने में हम ये वीडियो पाक नेवी को डेडिकेट करते हैं। इस वीडियो में हम पाक नेवी के मौजूदा असासों, मुस्तकबिल में बहरी बेड़े में शामिल होने वाले वेपन्स के अलावा आने वाले दिनों में मुतवक्के तौर पर शामिल होने वाले वेपन्स के बारे में बात करेंगे और इस पहलू पर भी बात करेंगे कि पाक नेवी कितनी ताकतवर है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि पाक नेवी पाकिस्तान की समंदरी हदूद की मुहाफिज है। महदूद वसाइल के बावजूद खित्ते में बदलती सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस के अलावा समंदरी हदूद से दहशतगर्दी और पायरेसी यानी बहरी कजाकों की तरफ से दरपेश खतरात को मद्देनजर रखते हुए पाक नेवी ने जदीद बहरी असासों को अपने फ्लीट में शामिल करने का एक मरबूत मंसूबा शुरू कर रखा है, जो इसे 2030 तक ब्लू वाटर नेवी बनने में मददगार साबित होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्लू वाटर नेवी से क्या मुराद है और पाक नेवी का शुमार इस वक्त किस कैटेगरी में होता है, तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, मंसूबे के मुताबिक कुछ वेपन्स पहले ही पाक नेवी में शामिल हो चुके हैं, जबकि कुछ मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह पाक नेवी का हिस्सा होंगे। इनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। व्यूअर्स, पाक नेवी के पास इस वक्त फ्रिगेट्स की मद में चाइना से खरीदी गई 4 F-22P फ्रिगेट्स मौजूद हैं। ये 3000 प्लस टन डिस्प्लेसमेंट की हामिल मल्टी रोल शिप्स हैं। इसके वेपन सिस्टम में महदूद रेंज रखने वाला FM-90 एयर डिफेंस मिसाइल, 4 C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल, एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टारपीडो काबिले जिक्र हैं। इन 4 शिप्स में से 3 चाइना जबकि 1 पाकिस्तान में TOT यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की गई थी। याद रहे कि पाक नेवी इन जुल्फकार क्लास फ्रिगेट्स को अनकरीब मिड लाइफ अपग्रेड से गुजारने का इरादा रखती है। इन 4 फ्रिगेट्स के अलावा पाक नेवी के पास फ्रिगेट्स की कैटेगरी में 3250 टन वजनी टाइप 21 क्लास फ्रिगेट्स भी मौजूद हैं। ये 3 फ्रिगेट्स पाकिस्तान ने UK से खरीदी थी, ताम इनमें से 2 डीकमीशन हो चुकी हैं जबकि 1 जिना क्लास फ्रिगेट से रिप्लेस की जाएगी। इन शिप्स के मेन वेपन्स में हारपून और एग्जॉस्टेड एंटी शिप मिसाइल काबिले जिक्र हैं। इसके अलावा अमेरिका से हासिल करदा TNS आलमगीर फ्रिगेट भी मौजूद है, जिसको टाइप 54 AP फ्रिगेट से रिप्लेस किया जाएगा। टाइप 54 जो इस वक्त चाइनीज़ नेवल फ्लीट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बेहतरीन खूबियों से लैस जदीद शिप है। पाकिस्तान नेवी इन शिप्स का अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मुख्तलिफ हवालों से तरमीम शुदा वर्जन ले रही है, जिनको उर्फ आम में टाइप 54 AP फ्रिगेट्स भी कहा जाता है। इस 4000 डिस्प्लेसमेंट रखने वाली शिप में काबिले जिक्र वेपन्स में HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए 32 सेल्स पर मुश्तमिल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, मुमकिन तौर पर HJ-12 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो समंदर से समंदर और समंदर से ज़मीन पर 280 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, इससे लैस है। इसके अलावा एंटी सबमरीन टॉर्पीडो और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी इन शिप्स के पैकेज में शामिल हैं। याद रहे कि टाइप 54 AP की 4 शिप्स 2021 तक पाक नेवी में शामिल कर दी जाएंगी। इन 4 शिप्स की शमूलियत के बाद पाक नेवी का फ्रिगेट्स के हवाले से फ्लीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की से मिल्जम क्लास कॉर्वेट्स भी हासिल कर रहा है। ये 4 शिप्स जो दिफाई और जारहाना दोनों तरह के ऑपरेशंस में कारामद हैं और स्टेल्थ खूबियों की हामिल कॉर्वेट्स हैं, ये एरिया सी डिनाइल के तनाजों में डिज़ाइन की गई हैं और इसकी डिस्प्लेसमेंट 2400 टन है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इनको मकामी सतह पर तैयार करदा हरबा क्रूज मिसाइल या मुतवक्के तौर पर अंडर डेवलपमेंट सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस करेगा। वाज़ेह रहे कि इन 4 शिप्स में से 2 तुर्की जबकि 2 पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड बिल्ड करेगी। इस सिलसिले की 2 शिप्स पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। इसमें से पहली 2 शिप्स में से 1 की स्टील कटिंग सेरेमनी तुर्की और 1 की पाकिस्तान में हो चुकी है। बेल्जियम क्लास कॉर्वेट्स की ये 4 शिप्स 2023 से 2025 के दरमियान डिलीवर होंगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान नेवी की सबमरीन फोर्स 50 साल पुरानी है और इस वक्त नेवी के पास फ्रांस से हासिल करदा ऑगस्टा 90B और ऑगस्टा 70 सबमरीन मौजूद हैं।
जबकि मिडिट सबमरीन का फ्लीट भी पुराना है। याद रहे कि पाक नेवी जनूबी एशिया में सबमरीन की पहली ऑपरेटर है। तहम पुराने फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए पाक नेवी ने ना सिर्फ सबमरीन फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का प्रोग्राम शुरू किया है बल्कि नई सबमरीन भी इंडक्ट करने जा रही है। इस सिलसिले में अगस्टा 90B सबमरीन को तुर्की में मॉडर्न स्टैंडर्ड पर मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जबकि 8 नई युआन क्लास सबमरीन भी हासिल की जा रही हैं, जिनको हंगूर क्लास के नाम से भी जाना जाता है। इन 8 सबमरीन में से 4 चीन और 4 पाकिस्तान में बिल्ड की जाएंगी। ये सबमरीन चाइनीज वेरिएंट से एडवांस्ड हैं और मुतवक्के तौर पर मरहलावार 2022 से 2028 के दरमियान डिलीवर होंगे। दोस्तों, कोस्टल इंस्टॉलेशंस के दिफा और दुश्मन के समंदर में मौजूद असासों को निशाना बनाने के लिए पाक नेवी ने एक चैलेंजिंग मंसूबा या अज़्म शुरू किया है, जिसके तहत मैरीटाइम अटैक सलाहियत को बढ़ाया और बेहतर किया जाएगा। इस हवाले से एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस JF-17 के मिनहास स्क्वाड्रन, जो कि कराची में बेस्ड है, खास तौर पर काबिल जिक्र है, जबकि इसी किस्म की सलाहियत के साथ एक और स्क्वाड्रन भी जल्द रेज किया जाएगा। व्यूअर्स, हमारे मुताबिक JF-17 का ये डेडिकेटेड स्क्वाड्रन ना सिर्फ C-803 एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस है बल्कि CM-400 AKG जैसा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी मुमकिन तौर पर मौजूदा या आने वाले मैरीटाइम स्क्वाड्रन का हिस्सा होगा। याद रहे कि एग्जॉस्टेड एंटी शिप मिसाइल से लैस मिराज तैयारे भी इस रोल के लिए पहले से मौजूद हैं। मैरीटाइम एयर विंग को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए दीगर एसेट्स में ATR-72 तैयारों को जर्मनी से अपग्रेड करवाया गया है, जो ऐसा रडार और एंटी सबमरीन वेपन से लैस है, जबकि इस सिलसिले के मजीद 2 से 3 यूनिट्स की शमूलियत भी मुतवक्के है। दूसरी तरफ पाक नेवी इस मकसद के लिए P-3C ओरियन तैयारों को रिप्लेस और मैरीटाइम अटैक सलाहियतों से लैस ड्रोन्स को भी इंडक्ट कर सकती है। व्यूअर्स, जहाँ तक ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का ताल्लुक है तो इस हवाले से पाकिस्तान ने 2 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स नीदरलैंड से ऑर्डर की थी। इस सिलसिले में एक वेसल पहले ही पाक नेवी में इंडक्ट की जा चुकी है, जबकि दूसरी भी अनकरीब इंडक्ट कर दी जाएगी। 1900 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये OPVs एंटी सरफेस और एंटी ऑपरेशंस के अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, डे एंड नाइट हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और निगरानी के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। व्यूअर्स, पाक नेवी की जानब से सबमरीन लॉन्च बाबर 3 क्रूज मिसाइल के तजर्बे के बाद से पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक सलाहियत रखने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। आसान अल्फाज में सेकंड स्ट्राइक से मुराद वो सलाहियत है जबकि दुश्मन मुल्क जोहरी हमला करने में पहल करके आपके ज़मीन पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल और जोहरी असासों को ख़त्म कर दे और आप जवाबी जोहरी हमला करने के लिए समंदर से हमला करने की सलाहियत रखते हों। कुछ दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाक नेवी लॉन्ग टर्म सेकंड स्ट्राइक सलाहियत की गर्ज से इसको मजीद पुख्ता बनाने के लिए न्यूक्लियर आर्म और जोहरी तवानाई से चलने वाली सबमरीन में भी दिलचस्पी रखती है। व्यूअर्स, कोस्टल डिफेंस के एतबार से पाकिस्तान नेवी ने गुज़श्ता चंद सालों में अपने कोस्टल डिफेंस को भी मजबूत किया है और इसकी सलाहियत में ज़र्ब कोस्टल डिफेंस मिसाइल की शमूलियत ने कई गुना इजाफा कर दिया है। याद रहे कि मुल्की सतह पर तैयार करदा ज़र्ब एंटी शिप क्रूज मिसाइल खुश्की से 400 किलोमीटर दूर समंदरी अदाब को निशाना बना सकता है, जबकि पाक नेवी इसके अलावा लैंड बेस्ड और सी बेस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर भी काम जारी रखे हुए हैं, जो मुमकिन तौर पर ज़र्ब और हरबा क्रूज मिसाइल के लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक वर्जन होंगे। मजीद बरा अपने कोस्टल डिफेंस को मुस्तकबिल में मजीद मजबूत करने की गर्ज से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी हासिल करने का इरादा रखती है। याद रहे कि इस बैलिस्टिक मिसाइल को हासिल करने का असल मकसद बुनियादी तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाना है। व्यूअर्स, इंटेलिजेंस का हसूल मौजूदा दौर की जंगों में एक लाजमी जुज्व है। इसी तनाजर में पाक नेवी इंटेलिजेंस गैदरिंग के हवाले से अपना किरदार बखूबी निभा रही है। इस हवाले से पाक नेवी को UAVs, 3000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ सर्वे शिप्स और एयरफोर्स की मदद से एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एसेट्स के अलावा ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स की मदद हासिल है और मुस्तकबिल में भी इस हवाले से एडवांसमेंट देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, जहां नेवी अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए नए असासों की शमूलियत और अपग्रेड्स पर काम कर रही है, वहां पाकिस्तान नेवी को एक बड़ी और कदरे महफूज लोकेशन पर बेस की भी ज़रूरत है, जो ना सिर्फ ज़्यादा कैपेसिटी रखती हो बल्कि दुश्मन मुल्क की आसान पहुंच पे भी ना हो।
इस बात को मद्देनजर रखते हुए पाक नेवी ग्वादर में जिनार नेवल बेस के नाम से नेवल बेस का क्याम पहले ही अमल में ला चुकी है और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की रिपोर्ट में ग्वादर में शिपयार्ड का भी जिक्र किया गया है जो इस वक्त तकमील के मरहले में है। ये शिपयार्ड पाकिस्तान की ज्यादातर नेवल शिप्स और सबमरीन्स को अकोमोडेट करने की सलाहियत रखती है। व्यूअर्स, पाक नेवी को नई शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने की गर्ज से कुछ अर्सा कबल 17,000 टन फ्लीट टैंकर को नेवी के लॉजिस्टिक एसेट्स में शामिल किया गया। इस फ्लीट टैंकर को कराची में तुर्की की मदद से तैयार किया गया। इस टैंकर को फ्यूल, एमुनिशन और पानी फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दौरान जंग या हंगामी हालात में मेडिकल सपोर्ट की गर्ज से इस फ्लीट टैंकर में स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी भी मौजूद है। व्यूअर्स, हमारे मुताबिक मौजूदा वेपन्स की अपग्रेड और नए असासों की शमूलियत से पाक नेवी एक ब्लू वाटर नेवी बनने की पोजीशन में होगी। आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।